हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स देन राइट हाउ मैनी वॉवल्स इन इट। ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं इसमें मुझे क्या करना है, वॉवल्स काउंट करने हैं, कितने वॉवल्स हैं एक वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। वॉवल्स होते कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो हमें वो वॉवल्स माइंड में रखते हुए यहाँ पर काउंट करने हैं। 1 2 3 थ्री वॉवल्स, 1 2 3 4 फोर, 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3। इस तरीके से बच्चों को वॉवल्स काउंट करने के लिए दे सकते हैं, इससे क्या होगा बच्चा वॉवल्स आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आता है करेक्ट द स्पेलिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग्स करेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट वन इज, ये पढ़ने में क्या आ रहा है, रिवर, तो रिवर की स्पेलिंग सही करेंगे, आर आई वी ई आर होती है। क्लाउड्स, ये क्या हो रहा है, अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ, तो अर्थ की स्पेलिंग क्या होगी, ये होगी। प्लीज, प्लीज की स्पेलिंग है राइट ए एन और द, यहाँ पे ए एन और द फिल करने होंगे। सबसे पहले शी इज डैश गर्ल, शी इज ए गर्ल, दिस इज डैश एलिफेंट। तो ए और एन का हमें पता है कि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और वॉवल के साथ एन लगता है, तो यहाँ पे एलिफेंट है, ई से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। उसके बाद देयर लिव्ड ए किंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, द किंग वॉज काइंड, क्योंकि हम उसी किंग के बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज एंड वर, चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द स्ट्रीट, यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, वॉज और वर में हम यही देखेंगे यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर आ जाएगा, फिर मैंने डब्ल्यू लिख दिया था पहले, वर, वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। एनी डैश एन ओल्ड वुमेन, एनी वॉज एन ओल्ड वुमेन, He dash watering the plants. He के साथ was. They dash watching television. They were watching television. She dash eating the food. She was eating the food. Next आता है circle the consonant in words. हमें क्या करना है इसमें, consonant फाइंड करके उनको सर्कल करना है। तो कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट, जो वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, उन लेटर्स को छोड़ के सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू टी आर, ऐसे यहाँ पे एल डी एल वाई, Everybody, यहाँ पे V R Y B D Y, G R D N, तो इस तरीके से आप consonants को circle करवा सकते हैं। Next one is fill in the blanks using has, have. Has और have का यूज करके हमें ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। आई डैश अ पेन, तो आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव अ पेन,
यू डैश टू बुक्स, यू के साथ भी हैव। शी डैश डन हर वर्क, शी हैज डन हर वर्क। ही डैश गोन टू मार्केट, ही हैज गोन टू मार्केट। दे डैश सो मैनी थिंग्स, दे हैव सो मैनी थिंग्स। नेक्स्ट वन, राइट द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे हमें एक्शन वर्ड्स के थ्रू ये फिलअप्स कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला आता है इसमें डैश योर बुक्स, तो यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे रीड, स्विम, ड्रिंक, वॉश, ओपन। तो हमारे हिसाब से, हमें इसके हिसाब से जो है ये फिल करने होंगे। तो डैश योर बुक्स, तो क्या होना चाहिए, या तो रीड हो सकता है या फिर ओपन हो सकता है, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर भी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर ओपन लिखेंगे। ओपन योर बुक्स। नेक्स्ट, डैश इन द रिवर, तो क्या आना चाहिए, स्विम इन द रिवर। डैश द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। डैश योर हैंड्स, wash your hands. Dash your milk, drink your milk. इस तरीके से हम फिल करेंगे एक्शन वर्ड्स कंप्लीट। देन टेक ऑन द करेक्ट नाउन एग्जाम्पल। जैसे नाउन जो होता है हमारा, क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेस है या पर्सन है या थिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉय, बॉय क्या है, बॉय पर्सन है या थिंग है, बॉय पर्सन है तो हम इस पर टिक लगाएंगे। टॉय थिंग है या प्लेस है, थिंग। आगरा पर्सन और प्लेस, प्लेस। टाइगर पर्सन और एनिमल, एनिमल। न्यूज़पेपर थिंग और प्लेस, थिंग। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को वर्ड्स में ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि नाउन की पहचान क्या होती है, नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। फर्स्ट वन, आई के साथ हम क्या फिल करते हैं, आई के साथ एम आता है, आई एम अ डॉक्टर। यू, यू के साथ क्या आएगा, आर, यू आर अ टीचर। शी डैश डांसिंग, she is dancing. we dash playing cricket, we are playing cricket. they dash walking, they are walking. तो इस तरीके से आप बच्चों को ये पूरा complete करा सकते हैं worksheet। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।